ये भी उस्ताद जी का फकीर कुल कबूतर है। और एक चीज पे आप सब दोस्त गौर करें कि जितने भी अभी तक आपने ये फकीर कुल कबूतर देखे हैं उनकी आंखें देखें, उनका रंग, जिस्म, पर दुमे, हर चीज बिल्कुल एक जैसी मेंटेन रखी हुई है उस्ताद जी ने। तो ये अभी उस्ताद जी से पूछते हैं। उस्ताद जी, कोई नए दोस्तों के लिए छोटी सी टिप बताएं कि जिस तरह से आपने ये माशाल्लाह कबूतर एक जैसे मेंटेन रखे हुए हैं, काफ़ी अरसे से मेंटेन रखे हुए हैं। ये होता है ना कि ये तो एक्सपीरियंस जाता है, अगर उड़ने वाले आप कबूतर देखें हर नस्ल का पर एक है, चाहे लाल आंख वाला है, चाहे सरकोटी है, चाहे जो कबूतर भी होगा उड़ने वाले मेरे सारे कबूतरों का जिसम पल्ला दोनों ही एक तरह ठीक। और ब्रीडर भी मेरे जितने हैं जो मेरे घर के मतलब कबूतर हैं जी, वो सारे एक स्ट्रक्चर के लड़ी देखेंगे उनका भी यही स्ट्रक्चर है। बहुत सही है। तो ये जो स्ट्रक्चर और पल्ले और ये ब्लड लाइन, इसको मेंटेन रखने के लिए क्रॉस देना ज़रूरी है या इन्हीं में से? ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये होता है कि कौन सा जो नर और मादी आप आपस में जोड़े के लिए सिलेक्ट करते हैं जी, उनमें किस तरह की खूबियाँ और आगे आपको पता होना चाहिए, मैं बनाऊँगा तो क्या निकलेगा। सही। और फिर उनकी जो जेनेटिक हिस्ट्री होती है वो भी मालूम को पता होती है, यानी कि चाहे ब्रीडिंग है या चाहे परवाज है, उसमें सिलेक्शन सबसे मेन चीज़ है कि आप सिलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, ब्रीडिंग में तो बहुत ज़रूरी है जी, कि एक ही जोड़े के 10 बच्चे हों तो वो सारे एक तरह के ब्रीडर नहीं होते। सही है। ये दोस्तों आवाज़ और वीडियो कवरेज के बारे में मैसेज में आप बता सकते हैं कमेंट करके, जैसा कि उस्ताद जी ने बताया है। ये हेलो आप चार क्या आवाज़ नहीं आ रही आसी आसी, जैसा कि उस्ताद जी ने बताया है कि अगर एक पेयर के आपके पास 10 बच्चे हैं तो वो 10 के 10 ना तो आप ब्रीडिंग में डाल सकते हैं और ना ही वो 10 के 10 परवाज में डाल सकते हैं। तो उनमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है कि उन 10 बच्चों में से कौन से ऐसे एक या दो हैं जिनको आप ब्रीडिंग में डालेंगे तो उनमें से आगे माँ बाप से भी अच्छे या माँ बाप जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, तजर्बे से आती हैं, शो करने से आती हैं। तो जिन मेरे दोस्तों को समझ है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस शौक में नए हैं वो उस्ताद जी के मशवरों पे अमल करें और प्रैक्टिकल करें और देखें कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि उस्ताद इखलाक साहब उन उस्तादों में से एक हैं जो सिंसियर हो के बात करते हैं, छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं करते कि बज़ाहिर कुछ और बता रहे हों और अंदर कुछ और हो। आपने भी जैसे देखा आपको पता भी चल गया होगा कि उस्ताद ने अभी तक जो कुछ भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल फेयर बातें हैं। ये उस्ताद जी कौन से कबूतर हैं? मेरे सारे कबूतर, ये मेरे पास पाँचवीं बुढ़ी इनकी चल रही है। ठीक। अभी उस्ताद जी के सलारे कबूतर हैं जी, यानी कि कूलर बंद कर सकते, बाद में थोड़ा इशू आ रहा है। जी दोस्तों आप देखें, आप आवाज़ बताएं, थोड़ा रूम कूलर की वजह से शायद इशू आ रहा था जो हमने बंद करवा दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हबस जैसा मौसम बना हुआ है। सावन आपको पता है स्टार्ट हो गया और ये बड़ा सख्त मौसम होता है। इस पट्टे का बच्चा 20 साल मतलब 7:30 बजे तक बैठा है, रात रह के भी आया है जो जेट की बाजी में। ठीक। 44-45 टेम्परेचर में शाम तक उड़ा इसका बच्चा जी। माशाल्लाह जी देखें कि इसके बहन भाई भी मेरे पास उड़े हैं, इसका बाप दादा पड़दादा। ठीक। 44-45 टेम्परेचर में उस्ताद जी बता रहे हैं कि इसका बच्चा शाम तक परफॉर्म कर चुका है इस जेट में। पर देख लें आप, बहुत ही अच्छे पल्ले का कबूतर है माशाल्लाह। देखें
जितने अच्छे पैर के पार हैं उतनी अच्छी बगल भी है माशाल्लाह कबूतर की। और मतलब पांचवी छठवीं जनरेशन आ गई इनकी परफॉर्मेंस मेरे पास वही है जो मतलब इसके दादा परदादा से जो चली और कमी नहीं हुई कबूतरों में। सही मतलब पांचवी चौथी पांचवी पीढ़ी में भी जाके कबूतर खराब नहीं हुई उसी तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक ना बॉडी स्ट्रक्चर खराब हुए ना परफॉर्मेंस खराब हुई है। सही है ना साइज अपने इनके कम हुए हैं। सही हर चीज मेंटेन है। इसकी चौथी नस्ल में पीछे मिसे कबूतर भी है। ठीक यानी आपके पास मिसे थे? मिसे मेरे पास 90 में थे फिर मेरे पास ख़त्म हो गए थे लेकिन मेरे कबूतरों में पहले मेरे पास थे। ठीक वो मैंने अपने कबूतरों में पीछे ऐड किए हुए थे। सही सबसे पहले मेरे पास कसूरी कबूतरों में मिसे ही आए थे 1991 में। ठीक जी दोस्तों जैसा कि आपने सुना है छवीं पीढ़ी तकरीबन परफॉर्म कर रही है इस ब्रीड की उस्ताद जी के पास और पीछे जैसा कि उस्ताद जी बता रहे हैं मिसे कबूतरों का भी ब्लड है इनमें और ये उस्ताद जी के सलारे कबूतरों के नाम से मशहूर है जी कबूतर। जैसा कि कलर इनका बना ना शाबदार जी ये मिसे की वजह से बना। ठीक देखें माशाल्लाह पूरे वजूद का देखें पूरी हड्डी माशाल्लाह ये भी चार पांच नस्लों से मेरे पास परफॉर्म कर रहे हैं। सही ये उस्ताद जी के माशाल्लाह जी नारे मारती उस्ताद नारे टेढ़ी कबूतर है जी इनमें वापसी बहुत ज़्यादा है जी। जो अच्छा। कबूतर मिस होते हैं ना हम ये क्रॉस करते हैं। सही फिर वापस कबूतर वापसी करते हैं। अच्छा क्या बात है जी ये सुन ले आप दोस्त के ये टेढ़ी कबूतर है और ये भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इनके पास परफॉर्म कर रहे हैं कबूतर और जैसा कि आपने सुन लिया होगा अगर आपको आवाज़ उस्ताद जी की नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कबूतर उस्ताद जी के वापसी करना कम कर देते हैं उनमें ये कबूतर उस्ताद जी डालते हैं अपने टेढ़ी कबूतर वापसी लाने के लिए। अच्छे कबूतर दोस्तों देखें आप आजकल सोशल मीडिया पे रोज़ाना देखते हैं लेकिन देखने का मकसद ये होता है कि इंसान उनमें से चीज़ें पिक करे सीखे वरना तो देखने का कोई मकसद ही नहीं है। देखते जाएं वो तो एक बेमकसद सी चीज़ हो जाती है। देखें आप माशाल्लाह कबूतर के पर की चौड़ाई देखें देखें ऊपर तक माशाल्लाह पर चौड़ा कबूतर का ये देखें देखें परों की चौड़ाई देख रहे हैं आप कितना चौड़ा पा रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें गैप आए पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन गैप नहीं आ रहा। देखें इस तरह से भी देख लें क्रीज कर रहे हैं कबूतर जोड़ों वाले कबूतर हैं माशाल्लाह। देखें पंजा रेशे में शिकायत से आते हैं बहुत शानदार कबूतर माशाल्लाह जी एक के बाद जो भी एक कबूतर हाथ में आ रहा है मज़ा दे रहा है वो कबूतर और सोने की कड़ी डाली जी माशाल्लाह देखें सोने की कड़ी और उस्ताद लोग कहते हैं कि इन दोनों के बच्चे इस जेठ में शाम तक उड़े मोर लगा। सही माशाल्लाह जी दोनों के बच्चे उस्ताद जी बता रहे हैं कि इस जेठ में मोरे लगा के परफॉर्म कर चुके हैं और असल परफॉर्मेंस होती भी वो है जो कबूतर मैदान में मोर खा के मैदान में उड़ के परफॉर्म करता है। हमने
बड़े बड़े उस्ताद से ये बात सीखी है और सुनी है कि जब कबूतर आपके हाथ में आए तो उसको छोड़ने का दिल ना करे। तो माशाल्लाह इतने अच्छे कबूतर हैं, अगर ये कबूतर क्रीज में ना हो तो मैं इनको हाथ से छोड़ो ही ना, इतने अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि नए शौकीन हैं जो, वो इन चीज़ों को पिक करें और ऐसे कबूतर बनाएं कि जो वाकई कबूतर हों। आखिरी फड़ों की इसी पट्टी रही है, देखें माशाल्लाह पंजे। ये दोस्तों अपने कमेंट्स के ज़रिए साथ साथ हमें बताएं भी कि कैसा आपको लग रहा है शौक, कोई सवाल पूछने वाला है तो आप सवाल भी बता सकते हैं। हमारे इरफान भाई ने मैसेज किया था कि आवाज़ का इशू है, तो इरफान भाई बताएं कि आप आवाज़ ठीक है। आप सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और कुछ दोस्तों के साथ मुशावरत के साथ जो मैंने ये सिलसिला एक शुरू किया है, काफ़ी हौसला अफजाई की मेरी। जैसा कि आज अमाद कियानी भाई माशाल्लाह खुसूसी तौर पर टाइम निकाला है उन्होंने, और उस्ताद जी से रिक्वेस्ट करके हमारे लिए टाइम निकलवाया है उस्ताद जी से भी। तो ये आप सब दोस्तों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता जी। तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें आगे दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह आपको आगे और भी अच्छे अच्छे शौक देखने को मिलेंगे। उस्ताद जी के पास हम ज़रा ये क्रीज का मौसम चला जाए, उस्ताद जी के कबूतर परपटाई में है तो कबूतर भी सार हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आएँगे, फिर गपशप होगी, फिर तो में आएँगे, उस्ताद जी से पूछेंगे सीखेंगे। ये मंदिर इसका बच्चा इस साल 3 गली का बच्चा में जेठ में की बाजी में मोर लग के मेरे शगल की छत पे 7/26 तक बैठा माशाल्लाह जी। आगे आना जी दोस्तों, इमाम दीन कमगर कबूतर उस्ताद इखलाक ऑफ रावलपिंडी, इनके शागिद की छत पे इस जेठ में इसका बच्चा कितने बजे उस्ताद ये उस्ताद जी थोड़ा सा चले आज ये भी बता दें कि मेरे हाथ में कबूतर आ गया, तो ये इमाम दीन इनको क्यों कहते हैं? ये हमने जो स्टोरी सुनी है कसूर में, किसी गोरखंड ने इमाम दीन उसका नाम था, उसने कबूतर बच्चा पकड़ा था। अच्छा, वो उसी के नाम की नस्बत की वजह से इनका नाम है इमाम दीन पड़ गया। ठीक है, हमारे कैमरा मैन साहब को शायद नींद आ गई है। कैमरा साफ करना। अच्छा अच्छा, देखें जी इमाम दीन कबूतर माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कबूतर है, बिल्कुल परफेक्ट वजूद हर तरफ से पूरा। ये मेरे दोस्त हैं लाहौर में खानबारा साहब, उनके 6 नंबर कबूतर हैं, वो उन्होंने मुझे दिए थे, इसका बाप उन्हीं के घर से आया था। खानबारा वो तो बड़े मशहूर उस्ताद हैं जी लाहौर के।
ये भी उस्ताद जी का इमाम दीन कबूतर है, लेकिन थोड़ी ब्लड लाइन इसकी चेंज है। उस्ताद जी के बहुत अच्छे दोस्त और काफ़ी नामवर शख्सियत लाहौर की उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब, उनकी तरफ से गिफ्ट आया हुआ कबूतर। देख सकते हैं आप आंख, पलक, नोक, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। देखें कबूतर का पल्ला कितना वसी पल्ला है माशाल्लाह। क्रीज में पड़े हुए कबूतर हैं तो ज़्यादा इनके साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। देखें माशाल्लाह खुशक पंजे। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर जैसे उम्र के साथ साथ अपना रंग चेंज करता है जिसम का, पंजों का रंग भी चेंज करता है? पंजों का रंग उसमें मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, कबूतर की डाइट होती है, किस तरह के माहौल में है। अच्छा, तो वो पंजों कलर का फर्क आता है। अब कोयटा में मैं यहाँ से मेरे दोस्त हैं वहाँ पे मैं कबूतर भिजवाता हूँ, वहाँ पे कबूतरों के पंजे पर्पल हो जाते हैं, ठीक डार्क कलर के हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। अच्छा, वहीं से वही दोबारा जब कबूतर और एनवायरनमेंट में आते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं। ये नस्ल के हिसाब से भी होता है, कुछ नस्लों में पंजे डार्क हैं, कुछ में लाइट है। सही है। पंजों के बारे में उस्ताद जी का मौक़ आपने सुन लिया है जी कि कबूतरों की खुराक भी असरअंदाज होती है और जिस इलाके में कबूतर रह रहे हैं वहाँ का वेदर भी इफ़ेक्ट करता है और नस्ल भी काफ़ी असरअंदाज होती है। कुछ नस्लों में पंजे डार्क कलर के आते हैं और कुछ नस्लों में पंजे लाइट कलर में आते हैं। ठीक, जी कौन सा कबूतर है उस्ताद जी? ये कसूरी कबूतरों में से बने हैं। अच्छा, बाप इसका जलदार कसूरी है, माँ इसकी चीनी थी। ठीक, चीनी को मगर खान बारा साहब के पैसे वो भी आई थी। ठीक हो, और एक मेरे जो जलदार कसूरी कबूतर उनके क्रॉस से ही बने। सही हो गया। उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब की तरफ से आई हुई मादा मगर ब्लड लाइन से, और उस्ताद जी के अपने घर का कसूरी कबूतर, उनके क्रॉस में से उस्ताद जी ने ये कबूतर बनाए हैं। बगले देखें माशाल्लाह कबूतरों की। कबूतर के परफेक्ट होने में जितना अच्छा उसके बाहर के परों का किरदार है उतना ही बगल का भी है। ये देखें हड्डी माशाल्लाह, देखें सब दुआ नीला बच्चा डकिया से या बाहर से। हेलो, हां जी, जो नीला बच्चा था दूसरा है, दो बार से या एक बार से? तकरीबन उस्ताद जी ब्रीडर कबूतर हो गए आपके, अंदर चले गए? आ जाए उस्ताद जी अंदर, कैमरा मैन साहब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसी एक ले आओ ना।
कियानी भाई से। जी दोस्तों, ये हमारे हमाद कियानी साहब हैं जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। ये उस्ताद मलक अखलाक साहब के माशाल्लाह बाख्तियार खलीफा हैं, और ये भी बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं कबूतरबाजी में। आप लोग इनको फेसबुक पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे इनके कबूतर भी आप देखते होंगे। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। तो उस्ताद जी थोड़े से मसरूफ़ हैं मोबाइल पे, उनकी कोई कॉल आई हुई है, तो हम अमाद भाई से तब तक गप शप करते हैं। जी अमाद भाई जी, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से शो कर रहे हैं आप। तो आपके पास उस्ताद जी के घर के कबूतर हैं या आपने अपने बनाए हैं? मैं तकरीबन काफ़ी टाइम में छोड़ कर रहा हूँ, अपने कबूतर मेरे पास ज़्यादा, लेकिन उस्ताद जी का शरीर डल गया मुझे अभी तकरीबन 4 साल में। अच्छा, तो अभी इनके एक बड़ी फिक्र गुल मादा है मेरे पास, उसकी मैं ब्रीड बना रहा हूँ। ठीक है, उस्ताद जी ने ब्रीड की थी, और मामदीन में से मेरे पास 3 पट्टे हैं, 2 पट्टे हैं और 1 पट्टी है। ठीक, उन्हीं में से बबा के ब्रीड बना रहा हूँ। सही, तकरीबन ज़्यादा फोकस उन्हीं पे। अच्छा, अभी अपने बस में बस कबूतर हैं, उन्हीं में छत आपको बताई थी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हीं के जो कबूतर हैं और अपने कबूतरों को मिक्स करके आगे वहाँ पर इंशाल्लाह परफॉर्मेंस आए। ठीक हो गया जी। अमाद भाई भी तैयारी कर रहे हैं जी, एक छत तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं उस छत पर, और उस्ताद जी के दिए हुए कबूतरों को अपने कबूतरों में डाल के जैसा कि वो बता रहे हैं कबूतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको बताने का मकसद ये है कि देखें, अब अमाद भाई को 4 साल हो गए हैं उस्ताद जी का शिगिर्द पड़े हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक ये कबूतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आप लोग अपने कबूतर अपने घर से नहीं बनाएंगे, तब तक शौक में कामयाबी हासिल करना समझ लें कि एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बाहर से कबूतर लिए हुए, जब तक कबूतर के पीछे हिस्ट्री ना हो, जो हमने सीखा है, हमने समझा है, जब तक उसका पीछे कोई रिकॉर्ड ना हो, तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई बाय चांस अच्छा कबूतर आपके हाथ लग जाए तो लग जाए, वरना एक तो पैसे का भी ज़िया है और दूसरा वक्त भी आपका ज़ाया होता है। तो अमाद भाई, माशाल्लाह आपके पास मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि टेडी बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके पास, तो वो आपने कहाँ से लाए हैं और कौन सी ब्लड लाए हैं आपके पास टेडियों की? टेडियों का मुझे समझ लें कि शुरू से जुनून था। अच्छा, तो एक शौक था। ठीक, करते करते शौक फिर आस्ता 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 करते 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 जिधर चोरी सभी साहब से उनसे खरीदे। अच्छा, फिर एक और जुनून था जिधर बने। अच्छा, तो जुनून की बात है, तो फिर मेरा ताल्लुक बन गया मिस्त्री सीधा टेडी साहब से, उनका पोता है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक, फिर ये है कि उनसे ताल्लुक बन गया, क्योंकि सखी वाले कबूतर है मेरे पास, उनसे मैंने डायरेक्ट परचेज किए हैं, सही, मेरे पास मिस्त्रियों वाले कबूतर। ठीक हो, बाकी उनके अलावा सारी दुनिया ने टेडी बनाए हुए हैं, ना मुझे पसंद है ना वो टेडियों वाले नाम के टेडी हैं। सही, जो उस्ताद जी ने पहले बात बताई है, सही हो, तो बात वही है जो ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक, बस ये 2 ब्लड है मेरे पास, और कुछ कबूतर मेरे पास अपने हैं, जिस तरह 7 नंबर कबूतर है, मेरे पास तकरीबन 2004 से चल रहे हैं। ठीक हो गया, बस उन्हीं में कबूतर डाल दूँ और बना दूँ आगे आपको देखता हूँ। सही हो गया जी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अमाद भाई ने आपको बताया है कि जहाँ से टेडी शुरू हुए हैं, बजाय इसके कि इधर उधर से ख़रीद कर पैसे ज़ाया करके, अपना टाइम भी ज़ाया करके, और फिर शौक़ से इंसान का दिल भी बेजार होता है इस तरीके से, तो इसके बजाय इन्होंने वहाँ से टेडी लिए हैं जहाँ से टेडियों की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी और बात जो अभी उस्ताद जी ने आपको टेडी शौक रहा है, तो मैंने ड्रीम में नहीं बताया, जो इनके पास टेडी ब्रीड बनी है जी जी, वो मिस्त्रियों की ही एक मादी ब्लड लाइन की मादी थी, उनसे सारी टेडी ब्रीड बनी। सही हो गया, और जिनका आज तक रिजल्ट में सानी कोई नहीं। सही है, मैं दुबई तक शो करके हूँ, दुबई में छत पे रहा हूँ, वहाँ पर मैंने अरबियों के कबूतर भी देखे हैं, बड़ी दुनिया में मुझे टेडियों का शौक है, मैं हर जगह मैंने टेडी कबूतर। सही, तो चंद घर ऐसे जिधर टेडी टेडी, अब जो उस्ताद जी ने आपको शौक कराया, मैं दुबई तक शो करके आया हूँ, बड़ी जगह मैंने शौक किया, किस मैार की टेडी आपको नसीबों से देखने। सही होगा, ये इतने नायाब टेडी है, रिजल्ट इतना अच्छा है कि जिधर डाल देते हैं, अभी उस्ताद जी ने आपको बताया कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि टेडी ज़ाया करते हैं, टेडियों में ज़ाया हो जाते हैं। ठीक, वो टेडी असल होते हैं। अभी आपने उस्ताद जी ने आपको बताया कि जब तक मेरे कबूतर ज़ाया होना शुरू होते हैं, मैं उधर ये कबूतर डाल। जी जी बिल्कुल, तो इससे बड़ी क्या बात है कि 26 साल थे इनके पास, चैंपियन परफॉर्मेंस जो उनका मेन कबूतर टेडी। सही, असल ब्लड लाइन आपको टेडी आज तो उससे अच्छा कबूतर कोई नहीं। जी बिल्कुल, ये एक सच है। सही, जो मानते हैं और जो नहीं मानते वो भी
अपने कबूतरों में पीछे टेढ़ी क्रॉस करते हैं लेकिन मानते नहीं, बात वो जो आपकी करनी चाहिए। सही, मैं खुद हैरान हुआ हूँ माद भाई उस्ताद जी की बात सुन के, एकदम से जैसे एक बंदा शौक में आ जाता है कि जहाँ पे कबूतर वापसी करना कम कर देते हैं वह उन कबूतरों में उस्ताद जी अपने टेढ़ी कबूतर डालते हैं कि उनमें वापसी ज़्यादा हो। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ आपने जो आज ये देखी है कि सबसे पहले टेढ़ियों की पहचान करना कि टेढ़ी है क्या चीज़। आपने माशाल्लाह टेढ़ी देखे भी हैं उस्ताद जी के, अनकरीब इंशाल्लाह आपको माद भाई के भी दिखाएंगे हम टेढ़ी। तो माद भाई आपके ख्याल में जो आजकल जिस तरह से टेढ़ी कितने कलरों में आ चुके हैं, लोग तो नीले कबूतरों को भी आजकल टेढ़ी कह रहे हैं सोशल मीडिया और रंग परंगे यानी टेढ़ी आ रहे हैं, जीरे भी हैं कितने भी हैं वो मैं देखता ही रहता हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का दौर है, इसमें लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। सही, जो जेन्युइन टेढ़ी ब्लड लाइन है जो चले हैं तो हर आजकल आपको हज़ार बंदे मिलेंगे उनके अपने टेढ़ी प्लांट सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, साथ लिखा होता है प्योर, जिनका टेढ़ी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता तो वो भी टेढ़ी। सही, सोशल मीडिया का जो दौर है। सही, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, टेढ़ी बने मिस्त्रियों के घर। सही, जो शफीक साहब की तरफ से मुतारफ हुए। ठीक, और आजकल जिन जिन लोगों ने कई नामी ग्रामी कबूतर परवान जिनका नाम जिन्होंने कबूतर बनाए उन्होंने मिस्त्रियों के कबूतरों को अपने कबूतरों में डाल के तो टेढ़ी कबूतर बनाए। सही है, बाकी बात वही आगे थी शादी बनाए थी उनसे आप जाहिर है जी कबूतर जिस घर से बने हैं वहाँ से जब तक किसी के पास नहीं आएंगे तो उसका नाम चलना तो फिर मुश्किल है। सारी बात जी, जैसे आप टोयोटा कंपनी की कार है तो वो टोयोटा कंपनी वाले बाहर निकालेंगे तो किसी के पास जाएगी। जी मेरे पास एक दोस्त की तरफ से ब्लड लाइन आई थी ये कबूतर जी, तो कार अजीम मेरे दोस्त हैं। ठीक, तो इन कबूतरों ने माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया, सर जेठ में भी इनमें से और सियान परवाज में वापसी में लाजवाब कबूतर हैं ये। उस्ताद जी ये भी टेढ़ी हैं? अली वाले, अली वाले कबूतर हैं। लें जी दोस्तों आज आपको अली वाले कबूतर भी दिखाते हैं। जो टेढ़ियों के मुकाबले के अगर कबूतर हैं उनकी टक्कर के तो ये कबूतर हैं जी। ये उस्ताद जी के एक दोस्त की तरफ से उस्ताद को गिफ्ट आए हुए कबूतर जी, जिनमें से उस्ताद जी ने रिजल्ट लिया। ये पट्टी मेरे पास थोड़ी है जी, अब मैंने इसको ब्रीडिंग में डाला हुआ है। ठीक, बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। ठीक हो, पहले आप देखेंगे अभी क्रीज में लगे हुए जी, ये दो मिनट अभी तो वो दिन भी गिरी है पर गिरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल इनके बहुत इस वक्त बिल्कुल हाँ जी जाड़ों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह अली वाली मादा उस्ताद जी के दोस्त की तरफ से गिफ्ट। हमेशा जब भी किसी को गिफ्ट करें तो वो चीज़ गिफ्ट करें कि जो आपके दिल की चीज़ हो, जिस चीज़ ने आपका नाम बनाना है, वरना तो फिर देने का मकसद ही नहीं है। इससे बेहतर है कि बंदा किसी को कुछ भी ना दे। खैर अली का शब जी दोस्ताद जी, जैसा कि हमने टेढ़ियों पे बात की है कि टेढ़ियों की क्या पहचान है और किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, तो जो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी कि अगर हम दूसरी ब्लड लाइन जो माशाल्लाह बहुत ही फेमस ब्लड लाइन है कमगर ब्लड लाइन जो आपने अभी इमाम दीन कमगर कबूतर हमें दिखाया है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है टेढ़ियों के मुकाबले में? टेढ़ी और कमगर दोनों बहुत अच्छे कबूतर हैं। कमगरों को उड़ाने का थोड़ा सा आपको ये है कि ये टेढ़ी और कमगर ऐसे कबूतर हैं कि इनको आप इसी तरह जिस तरह मैंने पहले आपको गाड़ी वाली मिसाल दी जी, तो अब मैं कसूरी कबूतर इस वजह से शायद ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो मेरा खेलपन ये जो मेरा उड़ाने का तरीक़ाकार उस पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कमगर हो गए या टेढ़ी कबूतर हैं तेज़ कबूतर उस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो मेरे पास तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बाकी आप उनके किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो उनको मेडिसिन ऐसे लगाता है कि जैसे लोग पट्टी वालों को लगाते हैं, तो फिर तो वो कबूतर मिस होते हैं। ठीक, लेकिन टेढ़ी कमगर कोई भी खैर
अच्छी ब्लड लाइन हो चाहे सेलकोटी हो चाहे कसूरी हो परफॉर्म करते हैं। ठीक, अक्सर लोग कहते हैं कसूरी अच्छे नहीं है, सेलकोटी अच्छे हैं, या सेलकोटी अच्छे हैं जी, कसूरी अच्छे नहीं है, टैडी अच्छे नहीं है। जो बंदा कहता है जी कि सेलकोटी अच्छे नहीं है, ये मेरा उसको चैलेंज तो नहीं, एक इन्विटेशन है। सही, वो मेरे पास आए मैं उन्हें सेलकोटी उड़ा के दिखाऊंगा। सही हो, ठीक है, गर्मी में इंशाल्लाह 40+ टेम्परेचर में। ठीक, और जो कहते हैं टैडी वापसी नहीं करते या कसूरी कबूतर लाल आंख वाले उड़ते नहीं है, उन भाइयों को भी मेरी इन्विटेशन है, वो जब सीज़न हो तो आए, उनको मैं टैडी और ये लाल आंख वाले उड़ा के दिखा दूंगा। ठीक हो गया, सही हो गया जी। इससे आगे तो फिर दोस्तों आप कोई बात करने के लिए बाकी बची नहीं है कि जो उस्ताद जी ने बोल दिया। कबूतर अच्छा हो चाहे किसी भी नस्ल का हो, सही, वो अच्छा तो उठता है, चाहे सेलकोटी हो, चाहे कसूरी हो, चाहे टैडी हो, लाल आंख वाला हो। ठीक, कबूतर अच्छा ना हो तो किसी नस्ल से भी हो वो नहीं उड़ेगा जी। और एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ, साजी से सवाल पूछें कि आपके पास जो सबसे अच्छे जो अंधेरे में कबूतर बैठते हैं वो कौन से, ये सवाल लाजमी करें व्यूअर्स के लिए। जी दोस्तों, उमाद भाई की तरफ से सवाल है। मेरे पास जो है ना ज़्यादा जो है ना ये कसूरी कबूतर में लाल आंख वाले और ये जो टैडी सलारे कबूतर हैं यही ज़्यादा अंधेरे में अच्छा से बैठते हैं। ठीक, हाँ जी। और मेरे लाल आंख वाले कबूतर ऐसे कबूतर हैं हम दिन के बगैर ट्रेनिंग के अंधेरे में बैठते हैं। एक दफ़ा आप लाइट एक दो दिन लाइट चला के जाल पर बैठा दें, सही, उसके बाद अगर आसमान में नज़र आ रहे हैं तो घर बैठेंगे। ठीक हो गया। और मेरे सलारे कबूतर भी अल्लाह के फजल से जिस कबूतरों में इनका पार डाला है वो अंधेरे में घर बैठते हैं। तो इसकी उस्ताद जी कोई ख़ास वजह हो सकती है? ख़ास वजह तो ये जो अंधेरे में बैठने का ताल्लुक है, एक तो कबूतर की समझदारी, ठीक, उसका भी है कि कबूतर समझदार होता है, वो अपना मैनेज कर लेता है। सही। दूसरा ये होता है कि कबूतर का जो आंख का पर्दा होता है, रेटिना जिसे कहते हैं जी, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वो जिन कबूतरों में जिन ब्लड लाइन में अच्छा चला आ रहा है उनके बच्चों में भी अच्छा आता है। सही है। तो बाज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ आँख में देख के बंदा ये नहीं कह सकता कि अंधेरे में अच्छा बैठेगा या नहीं बैठेगा, कोई ऐसी निशानी नहीं होती आँख में जैसे अंदाज़ा हो कि ये अच्छा है या अच्छा अंधेरे का अच्छा है या नहीं। अगर कोई बंदा कहता है तो मैं कहता हूँ कि मजरत के साथ या उसकी कम इल्मी है या वो झूठ बोल रहा है। सही। प्रॉक्सी इंडिकेटर एक होता है, आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आंख से पता चल जाता है कबूतर की नस्ल क्या है, इसके पीछे कौन सी ब्लड लाइन आ रही है वो पता चल जाता है। ठीक। अब मैं कबूतर की आंख देखता हूँ, मुझे पता चल गया अच्छा इसमें ये चूहे क्रॉस हैं या इसमें छत वाले हैं या इसमें कुमगर हैं, और मुझे ये पता है कि फलां फलां नस्ल में उस नस्ल में ये खूबी है कि वो अंधेरे में अच्छा बैठते हैं। ठीक। तो मैं कह सकता हूँ कि आंख देख के बताता हूँ यार ये अंधेरे में अच्छा बैठेगा इस चीज़ की बेस पे। ठीक। बाकी आंख में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। साइंटिफिकली अंधेरे में बैठने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आंख के पर्दे के साथ होता है। ठीक। रेटिना जिसे कहते हैं, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो अंधेरे में कबूतर, कुछ कबूतर बेहतर देख सकेंगे कुछ कम देख सकेंगे, वो देख के जज नहीं किया जा सकता। सही। तो आंख का पर्दा देख के जज हो सकता है? आंख का पर्दा नजर ही नहीं आता ना, वो तो पीछे अंदर है, आंख के अंदर होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे दोस्तों को तो नहीं पता कि ये रेटिना क्या है और क्या वो नहीं। वो आंख का पीछे पर्दा है जो पीछे कहते हैं ना, जो नूर होता है अंदर। जी जी। अक्सर बंदों का ये होता है कि वो कहते हैं जी नजर चली गई लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं पीछे नूर ठीक है। ठीक। वो जो रेटिना होता है। सही हो गया जी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखें ये मैंने सवाल इसलिए उस्ताद जी से अभी क्लियर कर ली ये बात, ये पर्दे वाली, के फिर एक नई बात ना निकल पड़े कि लोग पलक को पर्दा ना समझ लें। तो उस्ताद जी ने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो 100% सच है, इसमें उस्ताद जी ना कोई कभी घुमा फिरा के बात करते हैं। 100% का तो खैर वो कहते हैं ना कि साइंस के बारे में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि साइंस इज कंटिजेंट ट्रुथ, यानी साइंस मशरूत सच है। सही। आज की जो कल चुकी जो तहकीक थी, साइंस कहती थी कि कायनात में सबसे जो बुनियादी ज़रा है छोटा वो एटम है, फिर उसके बाद तहकीक हुई नहीं एटम के अंदर भी इससे भी मजीद छोटे ज़रात हैं। सही है। उससे भी आगे अब तो अभी तक साइंस के मुताबिक ये है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी माज भाई। हाँ जी बाबा, क्या हाल है? चले जो मैंने अभी सवाल किया, इतनी वसी नॉलेज और इतना अच्छा जवाब मैंने ना सोशल मीडिया पे देखा है ना आज तक किसी ने दिया। तो ये सवाल करने का मेरा इसके तौर कई लोगों का कॉन्सेप्ट है गलत। सही। कि लाल आंख वाले कबूतर अंधेरे में नहीं बैठते, अंधे होते हैं। सही। तो जिनको पता है जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उस्ताद जी माशाल्लाह इधर पिंडी में अंधेरे में बैठाने के स्पेशलिस्ट हैं, माने जाते हैं। ठीक। इससे बड़ी क्या बात है कि जो लाल आंख के कबूतर हैं वो सबसे ज़्यादा इनके पास अंधेरे में बैठते हैं। ठीक। मैंने इसलिए सवाल किया था ताकि व्यूज जो देखें उनकी जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गलत कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दुरुस्त। उस्ताद जी दो सवाल मेरे भी हैं लाल आंख के बारे में। हाँ जी पूछें। वो सवाल ये है कि पहला सवाल तो ये है कि लाल आंख में पहचान कैसे हो कि ये कमगर कबूतर है और ये कसूरी कबूतर है? वो आंख देख के आपको अंदाज़ा जाता है। अब
एक आम बंदे के लिए सारे लाल आंख वाले कबूतर शायद एक जैसे ही हों, ठीक, लेकिन जो उसमें जो बारीकियां हैं थोड़ी सी फर्क होती हैं, ठीक, उनकी आंखों का जो अंदर का रिंग है जी, उसके साथ जो जमीन है उसका कलर फर्क होता है जी। अब मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर एक एक मगर कबूतर है जी या एक इमामदीन कबूतर है, ठीक, दो कहते हैं एक ही है, ठीक, इमामदीन या जुरा एक नस्ल है, ठीक हो गया, वैसे बेस इन सब की कुमगर है, ठीक है, लेकिन जुरा जो या इमामदीन जो कबूतर होगा उसका आउटर रिंग मेहंदी से कलर का होगा, उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश आपको कलर नजर आएगा, सही है, ठीक है, कुमगर में वो ब्राउन या लाल टाइप का इस तरह का उसका बाहर का डोरा होगा, ठीक, और इमामदीन का जुरे का वो सब्जी माइल मेहंदी कलर का उसमें शेड आता है, तो इस तरह थोड़े थोड़े फर्क होते हैं जिससे वो कबूतरों का आपको पता चल जाता है समझने वाले बंदे को कि ये इमामदीन है या ये कुमगर है या ये नहीं। उस्ताद जी मेरा सवाल ये है कि कसूरी कबूतर जैसे कि आप कसूर में जितना भी लाल आंख की, तो सारी नस्लें कसूरी है ना जी, लाल आंख की हैं, सफेद आंख की भी कसूरी है ना, टैडी भी कसूरी है, कसूर का तो कोई कबूतर है वो कसूरी है, उसमें डब वाले कबूतर हैं, कुमगर कबूतर हैं, इमामदीन कबूतर हैं, जुरे कबूतर हैं, मिसे कबूतर हैं, अच्छा, तो ये फर्क कबूतर है, मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं जी, जो उन्होंने अपने इन्हीं कुमगर कबूतरों से इन्हीं कबूतरों से बनाए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों को हल्का करने के लिए बीच में कबूतर और शामिल किए हैं, सही, ठीक हो गया। चलिए ये तो मेरा पहला सवाल था, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि तकरीबन मैं भी बचपन से ही शौक कर रहा हूँ, और हमने जब भी ये बात सुनी है, ये सुनी है कि जो लाल आंख के कबूतर होते हैं ये गर्मी के अंधे होते हैं, समझ लें कि ये गर्मी में भाग जाते हैं जी, ये घर वापस नहीं आते गर्मी में, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर लाल आंख वाले 10 कबूतर गर्मी में भाग जाते हैं जी, तो और कोई आंख मुझे कोई आंख भी बता दे, मैं उसके 20 आपको बता देता हूँ जो भाग जाते हैं, सही। अब अच्छा कबूतर चाहे अब ये जो यहाँ पे इतने आप बाजियों में ये जो चुड़ी मार पकड़ते हैं कबूतर जी जी, इनसे पूछे ना किस आंख के ज्यादा होते हैं, सही, या हम देसी से कबूतर तो बहुत ज्यादा ये गिरते हैं, ठीक, लाल आंख वाले अच्छे कबूतर होंगे तो अच्छा, कोई भी किसी नस्ल का भी कबूतर है, लाल आंख वाला कबूतर जितनी गर्मी मर्जी हो वो घर वापसी करता है, ये गलत बात है कि लाल आंख वाला कबूतर वापसी नहीं करता, लाहौर की गर्मी में कसूर की गर्मी में लाल आंख वाले जो अच्छे कबूतर हैं बहुत आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, सही। तो वापसी में तो खैर सर उस्ताद जी ये है कि सिर्फ बंदा कहे कि लाल आंख का या फलां कबूतर भाग गया, उसमें मालिक का भी तो बहुत किरदार है उसको भगाने में या उसके ज़ाया होने में। बिल्कुल, कबूतर अगर आपका फिरतों में 2 महीने आपका कबूतर नहीं भागा जी और बाजी में आके भाग गया है ना, तो वो उस कबूतर का कसूर नहीं है, सही है। अगर उसमें भागने वाला होता तो बाजी से पहले भाग जाता, बाजी में जो कबूतर भागता है वो सिर्फ मालिक की गलती से भागता है, सही हो गया। मौसम का अगर कुछ मिसहैप हो जाता है या कबूतर रात रुक जाता है या मौसम ऐसा हो गया आंधी तूफान आ गया तो वो अलग बात है, ठीक, वरना अगर बाजी में कबूतर जाएगा तो मालिक की गलती से जाएगा, सही। तो उस्ताद जी ये जो जैसा कि हमें तो तकरीबन इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन नए शौकीनों के लिए ये एक छोटा सा सवाल है कि अब आपने फिरत लगाई हुई है चाहे वो आम दिनों की है, तो मौसम साफ है और अचानक बादल आ गए हैं, आपके कबूतर डूबे हुए हैं, तो उसमें कबूतर ज़ाया होने के चांस किस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं? लोग कहते हैं कि बादल आ गए तो कबूतर गए जी, आप तो बादल आ गए तो अगर काले बादल हों चलते हों कम हाइट पे बादल हों और चलते हुए बादल हों जी, तो उसमें कबूतर जो है ना ज़ाहिर नीचे तो नहीं देख रहा होता जी, कबूतर जिस साइड पर भी जाता है वो अपने घर को देख रहा होता है, ठीक है, तो अगर जब उसको अपना घर नजर नहीं आता और वो बादल चल रहे होते हैं तो वो बादलों के ऊपर ऊपर ना वो भी हट जाता है, ठीक, साइड पे हो जाता है कबूतर, और जब फिर वो बादलों से नीचे आता है अपने रिये से हटा होता है तो फिर वो बादल कबूतर मुश्किल नहीं आता, सही हो। तो ये हमारे हाई फ्लायर कबूतरों में ये एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों कि जब ये कबूतर बादलों में चले जाते हैं तो फिर इनके वापस आने के चांस बहुत कम होते हैं, और उसकी मेरे ख्याल में क्यों जी माद भाई, उसकी मेरे ख्याल में वजह ये है कि ये उस्ताद जी थोड़ी मसरूफ है ना, अच्छा हाँ जी, तो इसमें उस्ताद जी ये क्या वजह है कि एक रेसर कबूतर है वो अगर कहीं दूर चला गया तो वो वहाँ से वापस आ गया, और अगर हमारा हाई फ्लायर कबूतर जो है वो बादलों की वजह से किसी और एरिया में चला गया तो वो वापस क्यों नहीं आता? रेसर कबूतर की एक तो होती है ना कि आप हर चीज की एक सृष्टि होती है, उसकी इंस्टिंक्ट होती है जी। अब अजान हो रही फिर बात करते दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, अजान हो रही है, जब तक आप भी पानी शानी पी लें हम भी पानी शानी पी लेते हैं, पानी उस्ताद रंग पिलाओ, नहीं बदलदार नीचे से पानी।
صلی اللہ علیہ وسلم. جی یاسر بھائی آپ نے کومنٹ کیا ہے کہ اوریجنل حالت میں کبوتر دکھائیں، تو آپ یہ تو بتائیں کہ کون سے کبوتروں میں سے آپ کہہ رہے ہیں. استاد جی کے پاس ٹیڈی ہیں اور فقیر گل ہیں، آپ کون سے کبوتر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپ نے اصل حالت میں کوئی کبوتر دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اصل حالت میں آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. میرے خیال میں تو جو فقیر گل کبوتر استاد جی نے دکھائے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، میرے خیال میں تو وہ بہت اچھی حالت میں ہیں. استاد جی سے پوچھ بھی لیں گے کہ ان کبوتروں میں کوئی. یہ ایک اصل حالت ہے، آپ کے لاکھا کبوتر دکھاتا ہوں. اچھا یہ لے جی، یہ اصل حالت میں یاسر بھائی، اصل حالت میں یہ میرا یہ کبوتر ہے، یہ لے جی. یہ بچے پالنے کے لیے استاد جی نے رکھے ہوئے ہیں کبوتر، اصل حالت کبوتر ہے، اصل حالت میں. یہ میں نے لکی اور فریل بیک کراس کیا تھا، ٹھیک، ایکسپیریمنٹ کیا تھا، شاید لکا بھی آئے اور فریل بیک بھی ہو، لیکن اس پہ وہ پر جو ہے نا یہ اتنے زیادہ وہ صرف فریل بیک والے آئے نہیں ہے. صحیح، تھوڑا سا دم یہ ہاف لکا آ گیا اور ہاف فریل بیک آ گیا. صحیح ہے، کیا بات ہے. ہمارے ایک بھائی نے کہا جی اوریجنل حالت والا کبوتر کوئی ہے تو دکھائیں، تو جو آپ نے ابھی میں نے آپ کو سارے دکھائے ہیں جو اوریجنل. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوریجنل کبوتر، یہ تو کبوتر سارے جو ہے نا تین اوریجنل کبوتروں سے بنے ہیں، تین رنگوں سے، سفید، کالا اور لال، جی ان کے کراس سے سارے بنے ہیں. تو یہ میں نے سفید آپ کو دکھا دیے ہیں جی، باقی جتنی بھی بریڈز ہیں یہ کراس سے بنی ہوئی ہیں. اچھا، اور لیکن جو میں نے آپ کو فقیر گل یا ٹیڈی کبوتر دکھائے، جن کو صحیح معنوں میں جو جن کبوتروں کو ٹیڈی کہا جاتا ہے یا جن کو فقیر گل کہا جاتا ہے، وہی کبوتر دکھائے جی. ٹھیک ہو گیا جی. یاسر بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کبوتر استاد جی نے دکھائے ہیں، وہ استاد جی نے ابھی آپ کو جواب بھی دے دیا کہ اوریجنل حالت میں تقریباً، یعنی کہ بہت اچھی حالت میں. اور میرے جو کراچی میں جو بلوچ دوست ہیں جی، جو استاد جو لوگ وہاں پہ، وہ کہتے ہیں یار جو جس حالت میں تمہارے پاس کبوتر ہے نا فقیر گل ابھی جی، یہ 25-30 سال پہلے ہم سے ختم ہو گئی. صحیح ہو گیا، بالکل استاد جی. یہ تو وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ جس نے دیکھے ہوں. اب ہم نے تو یہ دیکھے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ہم نہیں بتا سکتے، یا جو بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ایک چیز پہلے دیکھی نہیں ہے وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کراچی سے چلی ہوئی، سندھ سے چلی ہوئی ایک بریڈ ہے. استاد پروفیسر بخیت صاحب جو ہیں وہ تقریباً ان کے ہاتھوں سے یہ بریڈ، ہاں جی، انہوں نے خریدے ہیں. انہوں نے خریدے ہیں، اچھا. ہاں، یہ کبوتر بیسیکلی بلوچوں کے، جو لیاری سے بلوچ تعلق رکھتے ہیں جی، نسیم بلوچ صاحب تھے، اللہ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے، ان کے پاس تھے. اس کے علاوہ شوکت ددل، یہ جو فقیر گل بلوچ تھا بندہ، اچھا، لیاری کا. پھر اس کے بعد اس میں وج عبد الکریم تھے، انہوں نے کسی زمانے میں راجستھان سے بھی لا کے ان میں کبوتر شامل کیے تھے. ٹھیک ٹھیک ہے، انہوں نے ان کبوتروں کو کافی پروموٹ کیا. پھر ان کی فیملی میں مختلف لوگ تھے جنہوں نے ان کبوتروں کو آگے چلایا. اور جب ان کبوتروں نے دبئی میں پرفارم کیا احمد خمیری صاحب کے پاس جی، تو اس وقت یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا تھا وہاں پہ. اچھا، تو پھر اس کے بعد بخیت صاحب نے آ کے کراچی میں بلوچوں سے یہ کبوتر خریدا.
दे दी, ठीक हो गया। और वो मेजोरिटी कबूतर कराची से जो भी अवेलेबल थे वहाँ पे वो ज़्यादातर कबूतर बकीर साहब ही ले गए, ठीक। अब सबसे ज़्यादा स्टॉक बकीर साहब के पास ही है। पोठवार पिजन क्लब से सलाम दे रहे हैं जी आपको आज़म साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो ये उस्ताद जी, आपने क्योंकि ये कबूतर काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं, तो ये इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि इन्होंने इतना नाम बनाया है? जो इनमें अगर कहना कि बहुत एक्सेप्शनल सियान है, कि बहुत ज़्यादा चलाक कबूतर है, वो नहीं है। अच्छा। इनमें अगर आप कहें बहुत ज़्यादा परवाज़ है, वो भी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी इनमें यह है कि शदीद गर्मी भी होगी ना, अगर आपका, मैंने ये देखा है कि मेरे फिक्र ग्रुप क्लास में से अगर कबूतर ऊपर है ना जी, जो मर्जी हो कबूतर मर रहे हो लोगों की, उसने घर ही आना है, ठीक हो। ये इनमें क्वालिटी है कि शदीद गर्मी को बर्दाश्त, इनके क्रॉस से बने हुए कबूतर ही होते हैं, बहुत शदीद गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और वापसी बहुत करते हैं। सही। इस तरह बहुत ज़्यादा चलाक नहीं है कि बच्चा आप निकाल दें कहीं जाए, वो चक्की होती है, ठीक। एक वापसी होती है, कबूतर गर्मी में वापसी घर करता है, सही, उड़ के। वो जो उड़ के वापसी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक हो। मतलब मिस नहीं होते फिर, सही हो गया। मतलब कोई तूफान ले जाएगा या इस तरह, या कोई बाज मार जाए, वरना ये ऊपर होगा फिर गुल कबूतर तो गारी आएगा, ठीक। यानी कि बर्दाश्त करना, करने की सलाह बर्दाश्त करते हैं, सही है, माशाल्लाह। और उसी टेम्परेचर में मेरे दूसरे कबूतर आके गर्मी में बाज़ात वो डाउन मार जाते हैं, बुरा बनाते हैं, लेकिन ये कबूतर उसी टेम्परेचर में बैठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश बैठेंगे, सही होगा जी। दोस्तों, फ़कीर गुल कबूतरों की हिस्ट्री आपने जानी है उस्ताद जी से, तो ये मेरे लिए तो एक बिल्कुल नया सा हो गया है इलम, क्योंकि मैं तो इन कबूतरों को बिल्कुल ना जानता था, ना मैंने इन कबूतरों को देखा हुआ है, ना इनकी हिस्ट्री मुझे मालूम थी, ना इनकी परफॉर्मेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को उस्ताद जी की बातें पसंद भी आई होंगी और फ़ायदा मंद भी होंगी इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इस पेज को, नया पेज है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करवाएँ दोस्तों से। तो आगे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात उस्ताद जी से भी करवाएँगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है माद भाई के कबूतर जो है वो क्रीज में है बहुत ज़्यादा, तो कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह उनका भी शो करवाएंगे आपको, उनसे भी गपशप करवाएंगे। तो मैं उस्ताद जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शदीद गर्मी के मौसम में और इस टाइम में, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम में आपने हमें टाइम दिया है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। तो मेरी तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अमाद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब एक इंसान उरूज पे होता है ना दोस्तों, तो उसके साथ चलने वाले हज़ारों होते हैं, लेकिन जब एक बंदा किसी काम का भी और किसी चीज़ का भी शुरुआत कर रहा होता है, तो उसके साथ चलने वाले जो चंद दोस्त होते हैं वो मुखलिस दोस्त होते हैं और वही असल में दोस्त होते हैं। तो अपने उन दोस्तों का बहुत ख्याल रखें, अपने उन दोस्तों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दें जिन्होंने आपका साथ दिया हो मुश्किल वक्त में। कामरान साहब हैं जी, कोई उस्ताद इखलाक साहब को सलाम दे रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम जी। तो अमाद भाई ने मेरा ऐसे वक्त में साथ दिया है कि इस वक्त मेरा बिल्कुल ये शुरुआत है। उस्ताद जी में शुक्रगुजार हूं जी, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्मेशन मिल गई है जी, तो शायद सोशल मीडिया पे इतनी ऑथेंटिक और साइंटिफिकली और इतनी एक्सपीरियंस जो उस्ताद जी ने दिया है ना, शायद बड़े बड़े मतलब लाइव कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो शायद ही सोशल मीडिया पे हो जी। बिल्कुल जी, इस बात में कोई शक नहीं। साइंटिफिकली बेसिकली उस्ताद जी PhD हैं, ये लोगों को शायद कम लोगों को पता हो। अच्छा। तो वो जो बात वो करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल से, प्लस साइंटिफिकली जो प्रूव होती है, सही रिसर्च, सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करना और नए शौकीन के लिए सोच। PhD उस्ताद जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। हाँ जी, आपने PhD की भी है माशाल्लाह। हाँ, बस अभी इसका फाइनल जो है ना, अभी इसकी नोटिफिकेशन करा नहीं हुआ। अच्छा, रहती है जी, तो बाकी तकरीबन अभी कंप्लीट ही है जी। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको अपने मकासद में और अपनी स्टडी में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। वकास सती भाई, आपने गुड लक का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने वीडियो वॉच की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ ये नॉलेज। ये एक एजुकेटेड उस्ताद है माशाल्लाह, उस्ताद इखलाक साहब, के जो कबूतरबाजी के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी माशाल्लाह काफ़ी इलम है इनको। उस्ताद जी द ग्रेट मैन, कमरान साहब कह रहे हैं जी।
तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वजह यह है कि दिल तो नहीं कर रहा कि यहीं पे इस वीडियो को रोका जाए, लेकिन पिछली मरतबा हमारे साथ जो चांस हुआ था कि बारिश आ गई थी और हमें शौक रोकना पड़ गया था, और आज जो है हमारे साथ बैड लक ये हो रही है कि ये देख सकते हैं आप, बिजली गई हुई है तकरीबन एक घंटे से, और गर्मी आपको ख़ुद पता है कि इस वक्त कितने उरूज पे है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उस्ताद जी तंग हो, और माद भाई ये देखें आप पसीना माद भाई का ये इनकी मेहरबानी है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। माद भाई आपको सलाम दे रहे हैं जी, फरुख सलीम साहब चकवाल से। वालेकुम अस्सलाम जी। कमरान भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं जी, आप हमारे भाई हैं, और ये जो मेरा पेज बनाने का मकसद भी यही है जी। आज मैं इस वीडियो में दोबारा आप लोगों को ये बता दूं कि ज़्यादातर हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि वो उन लोगों को सामने लाएं कि जो मशहूर लोग हैं, लेकिन मैं उनके साथ साथ इंशाल्लाह उन चेहरों को आपके सामने लाऊंगा कि जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक किसी ने नहीं जाना, उनके नॉलेज को लोग नहीं जानते, और इंशाल्लाह उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस पेज को आगे प्रमोट करें, मेरा साथ दें, और इंशाल्लाह मैं अपने साथ देने वाले दोस्तों को कभी भी भूलता नहीं हूँ, फरामोश नहीं करता। मेरी हालत भी आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हो रही है। अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक साहब की इस दुआ में बरकत फरमाए, रिस्क में बरकत फरमाए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।